हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडियन मीडिया न्यू ठग लाइफ, इंडियन मीडिया सैवेज रिप्लाई। तो देखते हैं इंडियन मीडिया फनी वीडियो। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कई नेबर्स के साथ हमारे मसले हैं, मालदीव के साथ मसला शुरू हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। श्रीलंका के साथ मसला था, पर कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना? कश्मीर से भी मसला है, ये मसला हल होगा। कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना? उमर साहब, माफ कीजिएगा, देखिए एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पर वो उनके बाप का तो नहीं है। और देखिए, है उनके पास वो मसला है, पर वो उनके बाप का तो नहीं है। हमारे वकील ने नहीं की, फिर मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर दूं। आप की तरफ से कही गई है सर, फिर हमारी तरफ चेक करा ले उसको। मैं चेक करा के बोल रहा हूँ, आपने खुद ही बताया मुझे। चलिए मेरी जानकारी भूल जाइए, सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए थे। सुन्नी वक्फ बोर्ड किसका निकाय है? उत्तर प्रदेश सरकार का। उत्तर प्रदेश सरकार के कंट्रोल में। तो हम जो कह रहे हैं, बुनियादी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जमीन का है, मालिकाना हक का है। उसके कागज खो चुके हैं, इनके खुद के पास नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ। आज तक पूरी दुनिया को इस बात पे झूठ बोलते रहे कि कागजात हैं हमारे पास, सब कुछ है, सब सबूत है। अब वो पकड़ी जा रही है चोरी, तो ये दुनिया भर की बातें करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। जो ये इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया पैगंबर साहब की पूजा करते हैं, उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने? गजब बेइज्जती है। जो इसमें आया local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. जावेद अख्तर साहब ने कहा कि आमिर खान को तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किस बात की? उन्होंने कहा कि आमिर खान ने पीके बनाई, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और हिंदुओं ने आमिर की पीके को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट बना दिया। देखिए मैं आपको बताऊं रजत जी, हम जो फिल्म बना रहे थे उसमें किसी भी मजहब का हमने मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि हमारे मन में वाकई हर मजहब के लिए इज्जत है, सचमुच हर मजहब के लिए इज्जत है। देखिए उस फिल्म में शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया, बाथरूम में दिखाया था मुझे याद है, लोगों के बीच में से चलते हुए दिखाया, आप कहने मजाक नहीं उड़ाया। नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये कि देखिए शंकर भगवान जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो ऑलमाइटी हैं, तो हम उनका मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? सबसे पहले तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन होते हैं? आरजू जी, आपने बोला कि आप लोग भी गधे बेच देते, आपने हमें बोला गधे बेच देते तो आप भी अच्छी हालात में होते। आई एम सॉरी मैडम, 14 अगस्त 1947 के बाद गधों की कमी पड़ गई इंडिया में। 14 अगस्त 1947 के बाद गधों की कमी पड़ गई इंडिया में। देखिए इनको हमारी हजामत अच्छी लगती है, इनका नया नाम क्या दिया था? एक बार गौरव आर्या और कमर चीमा के बीच में डिबेट हुई थी, तो गौरव आर्या ने कहा सबसे नीचे चोर होते हैं चोर, और चोरों से भी नीचे जो होते हैं, एक लेवल नीचे चोरों से नीचे, उनका नाम होता है चप्पल चोर, जो मंदिरों और मस्जिदों के बाहर में जो पूजा करने जाते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं बाहर चप्पल छोड़ के जाते हैं, जो उनके चप्पलों की चोरी करते हैं उनको कहा जाता है चप्पल चोर। तो गौरव आर्या ने बड़े अदा के साथ नाम दिया था कमर चीमा को चप्पल चोर। कमर चीमा प्रकट हो जाइए। कमर चीमा सवाल है मेरा, मैं आपको चप्पल चोर बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा, ये नाम आपको गौरव आर्या ने दिया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उनकी है, मैं आपको कदे आप चिंता ना करें, आप हो ना हो, आपको मैं चप्पल चोर नहीं बोलने वाला।
तो बुरा न माने, टेंशन ना करे उस बात को लेकर। हो सकता है आप है यार, ये तो मेरी बात है यार। आप कहते हैं कि मुसलमान प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का बहुसंख्यक हिंदू अगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने लगे तो मुसलमान यहाँ रह नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, फल फूल नहीं पाते। यही गलत ख्याल है। क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे तो पूरे देश का भविष्य खतरे में आ जाएगा। देखिए मतलब सच बोले हम तो, आप कहते देश खतरे में आ गया। कह रहे हैं आपसे तो रोकिए आरएसएस को और कम्युनल फोर्सेस को कि ये स्ट्रेटेजी बहुत महंगी पड़ जाएगी, मेरे जैसे लोग नहीं मिलेंगे जो किसी भी कीमत पर इस बात के लिए तैयार ना हो कि कोई मूवमेंट हिंदुस्तान में आतंक पर आधारित नहीं चलना चाहिए, किसी को हथियार उठाने की इजाजत नहीं होना चाहिए। लेकिन 6 दिसंबर 92 को मस्जिद गिराने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल हुआ था और यही सबसे बड़ी गलती थी। तो एक बड़े कलंक को पोछा गया ना। कौन सा कलंक? बाबर तो आपका था नहीं, बाबर से आपका क्या संबंध, आपके पूर्वज तो हिंदू थे। क्या करेंगे क्या आप लोग, माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे, क्या करेंगे? तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना पहले छोड़ दीजिए। मैंने आपको मशवरा दिया कि आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर ट्रायल मत चलाइए। कौन सा ट्रायल? वो आगे के जुमले को भी आप प्ले कीजिए कि ये मेरा मशवरा है कहा। और रहा अच्छा, सवाल मशवरा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? मेरा मशवरा है। नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? आप सिखाएंगे मशवरा मानना, हद में रहना सिखाएंगे। मशवरा मानना नहीं मानना आपकी जिम्मेदारी है। आपके दिल में आया तो आप तालिबानी जमात कह देंगे, आप अलकायदा से जोड़ देंगे। तालिबान और ISIS ऐसे वीडियो जारी करते हैं जैसे मीडिया हाउस में बैठे हुए हैं तो आप जो चाहे कर देंगे। आप तबलीगी जमात को पहली बार तालिबानी जमात का कहकर बुलाएंगे, फिर जब वो कहेंगे तो बोलेंगे मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं। अच्छा तो क्या करेंगे? आप झूठ बोलते हैं, फिर बोलेंगे मैं तो बोला ही नहीं। क्या करेंगे आप? तालिबानी बोलेंगे, आप अलकायदा से जोड़ देंगे। आपने कहा ऐसा जवाब दिया जाएगा, एंकरिंग निकल जाएगी। आप जब अपने अपने पर आ जाएंगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बाज आ जाओ, अपने पर आएंगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। ऐसा जवाब दिया जाएगा, तुम्हारी एंकरिंग निकल जाएगी, नुमाइंदे को माइक लेकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप मौलाना है गली के गुंडे हैं, मौलाना है गली के गुंडे हैं। कोई जाते हैं मिल के आते हैं और पीठ पर छुरा भोंकता है पाकिस्तान, जख्म देता है करगिल का। क्या करेंगे? बार बार वो पीठ पर जख्म देता है। आप कितनी बार बातचीत करेंगे, कितनी बार उससे जख्म? फिर क्या करेंगे? सबक सिखाएंगे। मुझे बताइए सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। मारते जाएंगे, मारते जाएंगे। कौन रोकता है? जब तक सबक नहीं लेंगे तब तक मारते जाएंगे। कौन रोकता है? अगर उनको दोस्ती की भाषा समझ में नहीं आती है फारूक अब्दुल्ला साहब, तो हम बताएंगे दुश्मनी किसे। मेदर गुरवारिया, मैंने पिछली दफा भी आपको बताया था कि जब गुजर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है तो शेर की तरह ताड़ता है। ए मजाक लिया की तरह टट्टियों छोटी चीजों से एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट यार, मैं पाकिस्तानी से ना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी पाकिस्तानी हैं सुनिए, एक मिनट सर, देखो एक मिनट सुन जाओ ये शेर कम दाड़ना शुरू करो। ये आरजू बैठी हैं, ये पत्थर भाई बैठे हैं यहाँ पे, राजा फैसल बैठे हैं। मैं आप सब लोगों से यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो ना ये जोकरी नहीं अच्छी लगती कि शेर की तरह दाड़ता है, गीदर की तरह बोलता है। ये कैसी कैसी बात, ये चिड़िया घर में काम करते हैं, अजीब सी बातें करते हैं। हम लोग फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। ये सुनिए एक मिनट भाई साहब, आप एक मिनट चुप रहिए, सुनिए। हाँ असर काजमी साहब, आप मेरी बात का जवाब देने वाले थे, हाफिज सईद का जवाब देने वाले थे। ये शेर की तरह सर सुनिए, ये सुनो अपना माइक ऑफ करो और जाके गली मोहल्ले में दहाड़ो, यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं तुम्हारी दहाड़ सुनने का। मजा आया तो फ्रेंड्स, कई काफी मजेदार थे। और ये वाला जो लास्ट वाला था ना, वैसे ही सच्ची में ऐसे बड़ा बड़े बोलना, बड़े डायलॉग मारते, हम शेर की तरह दहाड़ेंगे, तुम गीदड़ की तरह भागोगे या कुछ उस टाइप से। तो ऐसे लोगों को वैसे जवाब बड़ा अच्छा था कि भैया ये क्या जानवर के नाम ले रहे हो, क्या चिड़ियाघर में काम करते हो जो शेर गिद्दड़ पे दड़ बोल रहे हो, फैक्ट्स के ऊपर बात करो। अच्छा इसमें एक और वीडियो था जिसमें ये क्या नाम है इनका, मैं बार बार नाम ही भूल जाती हूँ, लेडी जो है आरजू, हाँ आरजू, वो
देख लो कैसे अगेंस्ट थी, कितनी भड़की हुई और कितने गुस्से में कि हम गधे करते हैं तो तुम भी गधे कर लो, तो तुम्हारी भी इंडिया में जो है हालात जो है वो अच्छे हो जाएंगे, तो उस टाइप से था। और जवाब जो था वो तो मैं बाद में बोलूंगी, पर मैं उससे पहले जब मैंने ये देखा, मैंने देखा कि ये भी और वो कर्म क्या नाम है दूसरे, चीमा जी जो है, चीमा जी, हाँ, कमर चीमा, हाँ, वो ये दोनों के थे कैसे अगेंस्ट होते थे इंडिया के, और अब क्या पलटी खाई है कि पता ही नहीं, भूल ही गए हम लोग कि ये ऐसे बोलने वाले हुआ करते थे। तो ये देखो भैया इनका काम कमाल, इतने डिबेट में सुन के उनको पता, आई होप सो, आई जस्ट होप सो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो दैट इज रियली नाइस। पर कितना अंदर से उस टाइम था कि गधों को भी अब वो सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे गधे जो हम करते बेचते वो जो है हमारे बिल्कुल वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो पहले इसी बात को सपोर्ट करते थे, इसी बात पे वो भी मजाक उड़ाते हैं पाकिस्तान का। अगर आपने देखी हो वीडियोस तो उसमें वो अब कई बार मजाक उड़ाते हैं इसी का कि हम गधे बेच रहे हैं यार, हमारे पास और कुछ बेचने को नहीं है, जो गधे बेच रहे हैं। पर इसमें जो उनका था ना गौरव आर्या का आंसर कि भैया हम, तुम कह रहे हो कि हम भी गधे बेच के अपनी इकोनॉमी अपना जो है बेटर कर लेते, तो सुनो हमारे जो गधे थे ना वो सारे कब चले गए, समझ गया ना, वो मुझे बड़ा मजा आया। तो मैं बाबा हस्बैंड को बोली थी समझ गया ना आप लोग समझ गए ना, दैट वाज द बेस्ट वन। नहीं अच्छा था, और इसमें डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने मतलब अपना स्टांस थोड़ा बदल लिया है, क्योंकि जब इंटरेक्शन हुई है तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पता लगी है जो पहले वो उस एंगल से नहीं देखते थे, और काफी अच्छे थे। इन्होंने कई जो मतलब अनाउंसर वो जी की जो थी जिन्होंने मिस्टर अब्दुल्ला की ली थी वो भी काफी बोल्डली वेरी गुड, मजा आया देख के। ऐसे चाहिए हमको कि जो गलत बोल रहे हो कंट्री के अगेंस्ट में बोल रहे हो और कह रहे हैं कि दुश्मनों से जी बातचीत करो, वो टेररिस्ट भेज रहे हैं तुम बातचीत करो वो हमारे लोगों को मारे, बातचीत करो। और दूसरा वो भी अच्छा था जिसमें उन्होंने कहा था देखिए आप ये याद रखिए कि आपके पूर्वज हाँ, हाँ वो भी बहुत अच्छा है, जब भी कोई इस टाइप से बात करे उनको यही बताना चाहिए कि बाबर और ये सब जो थे ना आपके पूर्वज नहीं थे, आपके पूर्वज हिंदू थे, आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं कैसे ब्रेन इनका धीरे धीरे पूरा वॉश करके इस टाइप की सोच कर दी है कि आप लोग सब पहले हिंदू ही थे, तो इतनी नफरत मत करो, प्यार से रहो। पर कमाल का वीडियो, तो मजा आया। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।